ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम एपी के एन टाइम्स को सम का डेरिवेशन करेंगे, उसके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, ये सीखेंगे कि एपी के एन टाइम्स का सम कैसे निकालें। हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। उस इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक साइंटिस्ट था बॉस, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, आगे की क्लास में आप उसका नाम सुनेंगे। जब वह पढ़ता था, छठवीं क्लास में पढ़ता था, तो उसके टीचर ने, टीचर को कुछ जरूरी काम होगा, तो टीचर ने बच्चों को एंगेज करने के लिए बच्चों से बोला कि बेटा 1 से लेकर 100 तक का सम निकालिएगा। बॉस ने उसे 1 मिनट के अंदर निकाल दिया। टीचर ने फिर दूसरा क्वेश्चन दिया कि 1 से लेकर 1000 तक का सम निकालिएगा, तब भी गॉस ने उसे 1 मिनट में निकाल दिया। अब हम उस मेथड को समझते हैं जिसमें गॉस ने उस सम को 1 मिनट के अंदर दिया था। उस 1 से लेकर 100 तक के सम को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टाइम्स ऑफ एन एपी। अब 1 प्लस 2 प्लus 3 प्लस 4 प्लस 97 98 99 100 उसको इस तरह से लिख लिया गया और एक्स मान लिया गया। फिर इन नंबरों को रिवर्स डायरेक्शन में लिखा गया, 100 99 98 97 इस तरह से 4 3 2 प्लस 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 और 100 को ऐड करेंगे तो 101 आएगा, 2 और 99 को ऐड करेंगे तब भी 101 आएगा, 3 और 98 को ऐड करेंगे तब भी 101 आएगा। इस तरह से 101 वाले कितने टाइम्स हो जाएंगे, 100 टाइम्स हो जाएंगे। कितने टाइम्स होंगे, 100 टाइम्स। अब SOS कितना हो जाएगा, 2S, तो 2S इक्वल टू हो जाएगा 101 into 100 एंड S इक्वल टू हो जाएगा 101 into 100/2। इसको 50 से कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आ गया। उसने इस मेथड से बॉस ने सम को निकाल लिया था। उसके टीचर को ये फार्मूला पता नहीं था, ये मेथड पता नहीं था। इसी तरह से उसने 1 से 1000 के सम को 1 मिनट के अंदर फाइंड आउट कर दिया। अब हम अपने फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, जिस फार्मूले से हम सम टू एन टाइम्स ऑफ एपी को फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो अपनी सीरीज है a a plus b a plus 2b, इस तरह से अपनी सीरीज है, a इसमें फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, तो s इक्वल टू a plus b plus a plus 2b, इस तरह से लास्ट टर्म अपना क्या होगा, a plus n minus 1 into b, ये अपना क्या होगा, n टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल हम n टाइम्स के सम को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिखे, इसको पहले नंबर पे लिखे, इससे पहले इसके बाद कौन सा टाइम्स आएगा, a प्लस एन माइनस टू इन टू बी आएगा, उसको लिखे प्लस लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऑन एड 2s, s प्लस 2s हो जाएगा। इन a और a प्लस एन माइनस वन इन टू बी को हम ऐड करेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इन टू बी हो जाएगा। a प्लस बी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इन टू डी को हम ऐड करेंगे तो ए और ए टू हो गया, इसको डी के साथ ऐड करेंगे तो ये एन माइनस वन इन टू डी हो जाएगा। प्लस प्लस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी आएगा। ये कितने टोटल टाइम्स होंगे, एन टाइम्स होंगे, कितने होंगे, एन टाइम्स। तो 2s इक्वल टू एन इन टू दिस, ओके, तो s इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये अपने फार्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। ओके ओके, तो अपना फार्मूला बन गया सम टू फर्स्ट एन टाइम्स ऑफ एन एपी, क्या हो गया, ये हो गया अपना s इक्वल टू एन बाई टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू बी। अब 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू बी क्या होता है, ये क्या होता है, यह होता है an, क्या बोलते हैं an, nth टाइम्स। तो s इक्वल टू क्या हो गया, n बाई टू a प्लस an। अब सपोज करो इस सीरीज में, टोटल सीरीज में n टाइम्स हो, कितने टाइम्स हो, n टाइम्स, क्योंकि हमने सपोज किया, पहले माना भी है
इफ देयर आर ओनली एन टर्म्स इन एन एंट्री तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। यहाँ पर एल क्या है, लास्ट टर्म है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू विद इन ब्रैकेट ए प्लस एल। अब इस फॉर्मूले में ए क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। एल क्या है, लास्ट टर्म। ओके अंडरस्टूड। ओके नाउ एक्सरसाइज 5.3 की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझेंगे कि सम्स को कैसे निकाला जाता है। अभी हमने फार्मूले का डेरिवेशन किया था, तो पहला इसका क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर दिया हुआ है कि एपी है, इनका हमें सम निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2, 7, 2, 7, 12 इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं 2, 10 टाइम्स, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी 4-3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, 2, 7, 12, 2, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स तक हमें सम निकालना है। इस सीरीज को देखने से हमें पता चलता है कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। सीरीज पहले से ही दी हुई है, ए भी है, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, a2 - a1 से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 2 = 5 क्या हो जाएगा, अपना कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 2, 10 टाइम्स, तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। ये फार्मूले का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, सम ऑफ n टाइम्स का तो फार्मूला है s इक्वल टू n बाई टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू t। अब इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे अपॉन 2। ओके, फिर a की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस n की जगह फिर 10 रखेंगे, 10 माइनस 1, b की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ओके, अब 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 10 माइनस 1 क्या बचेगा, 9, 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो 5 × 49 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5, 9 या 45 का 5 कैरी ओवर 4 आया, 5 हो जाए 20, कैरी ओवर लाया तो 24 हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है अपना -37, -33, -29 इस तरह से बढ़ता गया 12 टर्म्स तक, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सीरीज को देखने से पता चल रहा है इसका फर्स्ट टर्म ये कितना है, -37 है। डी हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, a2 - a1, a2 - 33 है, माइनस का साइन लगाया तो a1 लिख दिया, माइनस लगा हुआ है तो इसे ब्रैकेट में लिखा गया, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -(-) हो जाएगा -33 + 37 तो 4 आ गया। तो एन कितना दिया हुआ है, एन 12 दिया हुआ है। ओके, बस इसी फार्मूले में हम त्रिभुज पुट कर देंगे, एन की जगह 12 / 2 × -37 ए की जगह -37 रखा, प्लस 12 - 1 एन की जगह 12 रखा इंटू डी 4 तो ये 6 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 = 4 आएगा। 12 - 1 क्या हो जाएगा, 11 × 4 करेंगे तो 44 आएगा। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, 6 × -30 = 180 अपना क्या हो गया, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टाइम 0.6 दिया हुआ है, सेकंड टाइम 1.7 दिया हुआ है, थर्ड टाइम 2.8 इस तरह से उसने बोला है कि 200 टाइम्स तक का सम निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 0.6। डी कैसे निकलेगा, सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, 1.7 - 0.6 तो क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। एन हमें 100 दिए हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है कि एन कितना है, 100। हम इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, यस एन की जगह 100 रखा, ए की जगह 0.6 रखेंगे, प्लस 100 - 1 × 1.1 अब 50 हो जाएगा, 1.2 + 99 × 1.1 इसका हम रफ में इंटू कर लेंगे, 99 × 1.1 का हम रफ में इंटू
हमें ये मिलेगा 108.9 मिलेगा। अब इन दोनों को हम रफ में ऐड भी कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 110.1 मिलेगा। ठीक है, इधर ही ऐड किया, ऐड करना आप लोगों को आता है। ओके, अब इन दोनों का हम 50 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हट जाएगा, तो 5 × 101 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना यह फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके ओके, नाउ फर्स्ट का फोर सीरीज दी हुई है, फर्स्ट टाइम 1/15 दिया हुआ है, सेकंड टाइम 1/12 दिया हुआ है, थर्ड टाइम 1/10 दिया हुआ है, और हमें 11 टाइम्स का सम निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/15 हो जाएगा, डी सेकंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, तो डी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हम 60 आएगा, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, 12/15 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। ओके, अब 60 आ गया, 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 भी आएगा, 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 × 1 तो 1/60 आ जाएगा अपना। और n दिया हुआ है क्या, 11। इस फार्मूले में फार्मूला आपको पता है, फार्मूला लेना, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो s इक्वल टू 11y, तो n की जगह 11 रखा, 2 × 1/15 ये अपना ये है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक कितना है 11y2, ये 2/15 हो जाएगा, 11 − 1 10 होगा, 10 को अपन 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, तो ये 1/6 आएगा। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। ओके, अब 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा, 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 × 5 हो गया। दिस इज 4 + 5 9 हो जाएगा, 11/2 × 9/30 अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 30/20 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम गिवन बिलो, हमें सीरीज का सम निकालना है। ओके, ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 10 1/2 + 14 + 18, तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया हुआ है, तो सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी जगह हमें सीरीज का लास्ट टर्म दे दिया गया है। इस लास्ट टर्म की सहायता से, इसके हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्न्स को पता कर सकते हैं सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमें पहले नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए कितना है, 7 है। अब डी क्या होगा, a2 − a1 होगा डी, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 7/2 आया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं है कि सीरीज किस में है, ap में है, तो हम यहाँ पर a3 − a2 करके भी चेक करेंगे, 14 − 21/2 इसको सॉल्व किया तब भी 7/2 आया, इससे कंफर्म हो गया कि सीरीज किस में है, ap में है। अब हम मान लेंगे कि 84 कौन सा टर्म है, इसका nth टर्म है सीरीज का, लेट 84 इज nth टर्म, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले से दिया हुआ था, तो an बराबर क्या हो जाएगा, 84। अब an का फार्मूला होता है अपना a + n − 1 × d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84। a की वैल्यू हम 7 रखेंगे, d की जगह क्या रखेंगे, 7/2 रखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84। अब 7 को हम इस पर अप्लाई करेंगे, ये 77 हो गया, तो n − 1 × 7/2 = क्या हो गया, 77 हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इधर जाएगा, 7 इसके नीचे आएगा, तो n − 1 क्या हो जाएगा, 77 × 2, एक नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, इसके साथ में जाएगा, और ये वाला 7 नीचे आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 बचेगा, तो n − 1 = 22 आ गया, तो n − 1 = 22 है, तो n क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, s = n/2 a+n, क्योंकि हमें लास्ट टाइम दिया हुआ है 23/2 7+84। अब 7+84 कितना होता है, 91, तो ये 23/2 × 91 हो जाएगा, 23 × 91 का हम रफ में इंटू कर लेंगे, 3 9 = 27 2 18 3 9 2 और 8 10 0 2
याद रखना, ठीक है। ये अपना कितना हो जाएगा, 20932 हो जाएगा। इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1046 1 by 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। सेकंड का सेकंड 34, पहला टर्म 34 दिया हुआ है, दूसरा टर्म 32 दिया हुआ है, तीसरा टर्म 30 दिया हुआ है और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये 34 हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोगों को 34 मिल गया। डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से हम निकाल लेंगे। एल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है एल, ठीक है। लेट नंबर ऑफ टर्म में चेंज, हमें सब निकालना है, सब निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज कर लिया गया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है। नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो एन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन इक्वल टू 10। अब एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 10। ए की वैल्यू 34 रखी, एन माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस टू रखी, इक्वल टू 10। इसको सॉल्व किया, अगर 34 इस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 34 माइनस 24, एन माइनस वन माइनस 24 अपॉन माइनस टू इक्वल टू 12। एन माइनस वन 12 है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हमें सम निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। एस इक्वल टू एन बाई टू विद इन ब्रैकेट ए प्लस एस इक्वल टू 13 अपॉन टू, ये 34 है, एल कितना है 10 है, तो 13 अपॉन 2 इंटू 44 प्लस 10 कैंसिल हो गया, 13 इंटू 22 का इंटू कर लेंगे, 32 जा 26, 6 आया 2 कैरी ओवर, 32 जा 26, 26 और 20। नाउ सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड फर्स्ट टाइम माइनस 5 दिया हुआ है, सेकंड टाइम माइनस 8 दिया हुआ है, थर्ड टाइम माइनस 11 दिया हुआ है और लास्ट टाइम कितना दिया हुआ है, माइनस 230। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस 5, डी निकाल लेंगे हम। सेकंड टाइम माइनस 8 माइनस फर्स्ट टाइम इक्वल टू माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3। एल कितना दिया हुआ है, लास्ट टाइम माइनस 230 दिया हुआ है। लेट नंबर ऑफ टर्म बी एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सीरीज में, एन है। एन कितना हो जाएगा, माइनस 230 हो जाएगा। ये एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 230। एन की जगह हमने क्या रख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख दिया। अब ए की जगह माइनस 5 रखा, एन माइनस वन जो होगा तो डी की जगह क्या रखा, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 230। अब माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 230 प्लस 5 माइनस 225, एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 225 हो गया। अभी माइनस 3 इसके नीचे जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 225 अपॉन माइनस 3, ये 75 हो जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल टू 75 है तो एन कितना हो जाएगा, 76। अब सम का फार्मूला लगा देंगे हम, ओके सेम वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 76 अपॉन 2 ये माइनस 5 है, एल कितना है माइनस 230, इससे कैंसिल हो जाएगा 38। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो माइनस 235 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके नाउ थर्ड का फर्स्ट, थर्ड के फर्स्ट में हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 डी कॉमन डिफरेंस सी दिया हुआ है, ए एन 50 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 50। Find n and s. अब an 50 दिया हुआ है, ओके तो an का फार्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d equal to 50। इसमें a की वैल्यू 5 पुट कर देंगे और d की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब 5 इस तरफ जाएगा तो n minus 1 into 3 equal to क्या हो जाएगा, 50 minus 5 equal to 45। तो n minus 1 equal to 45 upon 3 equal to 50। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। n की वैल्यू 16 आएगा क्योंकि सब फाइंड है, तो उसने पूछी है फाइंड है तो n की वैल्यू 16 आएगा। हमें sn निकालना है तो sn का फार्मूला इक्वल टू n by 2 a plus l। अब यहां पर ये l हो जाएगा, l कितना हो जाएगा 50, 16 upon 2 5 plus 50
16 अपॉन 2 इंटू 55 2 से 8 इंटू 55 440 आ जाएगा। हम इसको दूसरा फार्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू ये वाला एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी वाले फार्मूले को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करोगे एन की जगह आप 16 पुट करोगे, ए की जगह 5 पुट करोगे और डी की जगह 3 पुट करके सॉल्व करोगे तो यही आंसर है। ओके, फैक्ट है सेकंड, क्या दिया हुआ है, गिवन ए 7 दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम 7, ए 13, ए 13 का मतलब है 13वां पद, 13 टाइम कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। बी एंड एस 13 निकालना है, एस 13 मतलब है सम ऑफ 13 टाइम, तो ए 13 35 दिया हुआ है, ए 13 क्या होता है, ए प्लस 12 डी होता है इक्वल टू 35, ए की जगह हमने 7 रखा प्लस 12d इक्वल टू 35, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 इक्वल टू 28, तो d बराबर कितना हो जाएगा 28 अपॉन 12, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 अपॉन 3 आ गया। अब s 13 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 13 अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 13 अपॉन 2, a की जगह हम 7 रखेंगे तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 7 बाई 3 रखेंगे। ओके, डी से कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 7 28 आ गया, 2 इंटू 7 14 आ गया 13 अपॉन 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 42 आएगा, 13 अपॉन 2 इंटू 42, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फैक्ट का सिक्स्थ, इसमें a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, d कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है, sn 90 दिया हुआ है। sn का यहां मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट n टाइम्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टाइम्स कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। फाइंड d एंड an, n निकालना, फाइंड n एंड an। ओके, n मींस n टाइम्स, sn कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन टाइम्स 90 दिया हुआ है। एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, यहाँ पर हम ए की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, डी की वैल्यू 8, एन बाय टू 2 इंटू 2 4 ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 8 एन माइनस 8 इक्वल टू 90 आ गया है। दिस इज एन बाय टू 8 एन माइनस इक्वल टू 9। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो 4 एन माइनस 2 बचेगा, एन बाई 2 इंटू 2 4 एन माइनस 2 इक्वल टू 90, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन इक्वल टू 90। ओके, 90 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से भी हम 2 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालना तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, दिस इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 प्रकार से सॉल्व करते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो फार्मूले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं कि एन स्क्वायर का कोफिशियंट इधर कितना है 2 है, कॉन्स्टेंट टाइम्स कितना है माइनस 45 है, दोनों का हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। मतलब इसको ऐसा लेके हमें ए इंटू बी इस तरह से चाहिए है, उनका प्रोडक्ट 90 आए और यहाँ पर एन का कोफिशियंट कितना है माइनस 1 है तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 आना चाहिए। 2 नंबर हमें इस प्रकार से सिलेक्ट करना है तो उनका प्रोडक्ट कितना है 90 आए और उनका एडिशन करने पर जोड़ने पर कितना है माइनस 1 आए, तो नेचुरल बात है वो नंबर हो जाएंगे माइनस 10 और 9। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 90 आएगा। मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं।
तो ये 2n स्क्वायर जो होगा तो रहेगा। अब माइनस एन को हम लिख लेंगे माइनस 10n प्लस 9n और ये माइनस 45 जो होगा तो रहेगा। इसमें से 2n कॉमन निकाल लें उधर क्या बचेगा n माइनस 5 बचेगा, इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लें तो ये n माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब n माइनस 5 तो कॉमन निकाल लें हम तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये अपने n की एक वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा अपना ये। इफ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9 बाई 9, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इम्पॉसिबल है, तो अपना n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 अपॉन 5। अब उसने an पूछा है तो an का मतलब क्या होगा a 5, a 5 का फार्मूला क्या होता है a प्लस 4d, a 2 है प्लस 4d 8 है तो 2 प्लस 32 इक्वल टू 34 अपना आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा n इक्वल टू 5 और an इक्वल टू 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन में ए 8 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, एन 62, एन का मतलब है nth का 62 दिया हुआ है, एसएन 210 दिया हुआ है, एसएन मींस सम ऑफ फर्स्ट एन टाइम्स कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, फाइंड एन एंड डी। ओके क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एन 62 दिया हुआ है तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62, a की जगह क्या रखेंगे हम 8 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 d की जगह हम क्या रखेंगे d रहेगा इक्वल टू 62। ओके क्योंकि हमें n और d फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट d, इस 8 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 62 माइनस 8 तो 14 हो जाएगा, इसको क्वेश्चन 1 ले लिया हमने। ओके नाउ अब एसएन कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है, एसएन का फार्मूला आपको बताइए एन बाय टू विद इन ब्रैकेट टू प्लस एन माइनस 1 इनटू डी होता है इक्वल टू 210, हम ए की वैल्यू रखते हैं यहां पर और एन माइनस 1 इनटू डी कितना है 54, तो फ्रॉम 1 से हम एन माइनस 1 इनटू डी की वैल्यू 54 रख देंगे इधर, ठीक है ए वाली वैल्यू एन माइनस 1 इनटू डी यहां पर हमने कितनी फाइंड आउट की 54 वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो n by 2 a 2 into 6 a की वैल्यू हमने क्या रखी 8 रखी, a 54 equal to 210, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 8 प्लस 27 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 27 35 होता है, n into 35 equal to 210 तो n equal to कितना हो जाएगा 210 अपॉन 35, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके अब पुट वैल्यू ऑफ n इन 1, n की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे तो 6 माइनस 1 d इक्वल टू 54, 5 d इक्वल टू 54, d इक्वल टू 54 अपॉन 5, आंसर क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर n की वैल्यू 6 और d इक्वल टू 54 अपॉन 5। ओके अंडरस्टूड। नाउ an का फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें ये पता नहीं है n माइनस 1 n पता नहीं है, हमें क्या पता है d, d की वैल्यू हम 2 रख देंगे, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इक्वल टू 6 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, ये अपना पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब sn कितना दिया हुआ है माइनस 14, sn का फार्मूला आपको पता है। ओके n by 2, 2a plus n minus 1 into d, d की जगह क्या रख दिया गया 2 रख दिया। ओके इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो a बचेगा n minus 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए, n a plus n minus 1 equal to minus 14। अब फ्रॉम 1
फ्रॉम वन, वन से हम ए की वैल्यू रख दें सिक्स माइनस टू एन, तो क्या है सिक्स माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा अपना फाइव माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि सिक्स माइनस एक जाएगा फाइव बचेगा, माइनस टू एन प्लस एन फाइव माइनस एन इक्वल टू माइनस फोर्टीन, ब्रैकेट रिमूव करेंगे फाइव एन माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर्टीन, अब एन स्क्वायर प्लस फाइव एन इस तरफ जाएगा तो प्लस फोर्टीन हो जाएगा, इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में आ रहा है, उसको हमने क्या किया कॉपी ले लिया, तो ये माइनस कॉपी लिया तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, अब ये एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हम इसको क्या करेंगे फार्मूले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो एन स्क्वायर इसको हम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके, माइनस फाइव एन को इस तरह से ब्रेक करेंगे तो उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस फोर्टीन आना चाहिए, तो माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, अब इसमें से हम एन कॉमन निकाल रहे हैं, एन कॉमन निकाला तो ये एन माइनस सेवन हो जाएगा, इसमें से टू कॉमन निकाला तो ये एन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो इसको हम इससे हमें क्या पता चलता है कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन आ जाएगी, एन इक्वल टू सेवन आ गया, अब इस एन की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एन इन वन, वन में पुट करते हैं हम एन की वैल्यू को, एन की वैल्यू कितनी आई सेवन आई, तो ए इक्वल टू सिक्स माइनस टू इंटू सेवन, तो ए इक्वल टू सिक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू माइनस एट, तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस एट और एन इक्वल टू सेवन, ओके नाउ थर्ड का नाइन्थ, थर्ड के नाइन्थ में ए इक्वल टू हमें थ्री दिया हुआ है, एन इक्वल टू एट दिया हुआ है, एस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, फाइंड डी, हमें पता है एस का फार्मूला क्या होता है एन बाई टू विद इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, अपना एस का फार्मूला होता है, एस कितना दिया हुआ है 192, एन कितना दिया हुआ है एट, ए कितना दिया हुआ है थ्री और एन फिर एट, ये आपको वैल्यू पुट कर ली थी ना, एस की वैल्यू पुट कर ली, ए की वैल्यू पुट कर ली, एन की वैल्यू पुट कर ली, अपन 92 ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, टू थ्री सिक्स एट माइनस वन सेवन डी, अब इस फोर को हम इसके नीचे लाएंगे 192 अपॉन फोर इक्वल टू सिक्स प्लस सेवन डी, इसको इसे डिवाइड कर लेंगे, आपको डिवाइड करना नहीं आता हो तो आप पर डिवाइड कर लेना ठीक है, इस तरह से 192 डिवाइडेड बाय फोर डिवाइड जाएगा चार बार जाएगा तीन, फिर टू दिया तो ये आठ बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ओके 48 इक्वल टू सिक्स प्लस सेवन डी, अब इसको इधर ले आइएगा 48 माइनस सिक्स इक्वल टू सेवन डी, सेवन डी इक्वल टू 42, डी इक्वल टू 42 अपॉन सेवन इक्वल टू सिक्स, ये अपना आंसर आ गया, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, फिर हमें वो वैल्यू पुट करना है, ओके नाउ थर्ड का टेन, गिवन एल इक्वल टू 28, एल कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, एस 144 दिया हुआ है, एंड देयर आर टोटल 9 टाइम्स फाइंड इट, अब उसने डायरेक्ट एन ना लिख के एन इतना दिया हुआ है, उसने बोल दिया है कि देयर आर टोटल 9 टाइम्स, यहाँ पे टोटल कितने टाइम्स हैं 9 टाइम्स हैं ऐसा बोल दिया है, तो एन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें एन भी दिया हुआ है तो एन बाई टू विद इन ब्रैकेट ए प्लस है, तो एस क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा इक्वल टू एन 9/9 दिया तो 9/2 ए प्लस 28, एल कितना दिया 28, ओके क्लियर, तो 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू ए प्लस 28, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा तो 32 हो जाएगा, 32 इक्वल टू ए प्लस 28, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 28 इक्वल टू 4, ये अपना आंसर हो जाएगा, ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है, पहला टाइम्स 9 दिया हुआ है, दूसरा टाइम 17, तीसरा टाइम 25, ओके
मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। उसने बोला है इस क्वेश्चन में कि बताओ इस एपी के हम ऐसे कितने टर्म्स को जोड़ दें, कितने टर्म्स को जोड़ दें कि इतना आ जाए 636 सम। तो देखो सीरीज का ए कितना दिया, 9 दिया, डी 17 माइनस 9 हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम सपोज कर लें कि इसके एन टर्म्स को जोड़ने पर 636 आता है, लेट सम ऑफ एन टर्म्स इज 636। हमने सपोज कर दिया, इस समय क्या जानकारी मिलती है, SM इक्वल टू कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब SM का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पता है आपको, इक्वल टू 636 हो गया। ए और डी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना है 9 है, इनटू 9 डी कितना है 8। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये n/2 इनटू 2 द 9 बचेगा प्लस एन माइनस 1 इनटू 4 इक्वल टू 636। ओके अब इस n का हम अंदर इनटू कर लेंगे तो n रहा 9 प्लस 4l माइनस 4 इक्वल टू 636। अब 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5, 5n प्लस 4l स्क्वायर इक्वल टू 636, 4l स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म्स को ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म्स को ब्रेक करके। तो देखो a इंटू b कितना होगा 4 इंटू माइनस 636 होगा। ओके इन दोनों का इंटू कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, प्लस b कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, 4 इंटू 636 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 636 आएगा, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 318 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 159 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा। 53 प्राइम नंबर है तो अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो ए के लिए ले हम 48 और 53 दोनों का देखो ये ले लिया हमने 8 इंटू, तो अपन क्या लेंगे 53 माइनस 48 ले लेंगे, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस तरह से लेंगे। ओके देखो ए को हम लेंगे, क्या लेंगे ए को 53 ले लेंगे और बी को क्या लेंगे माइनस 48 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, हमें माइनस चाहिए। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। ओके तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 को, 4n स्क्वायर जमता था 5n को हम ब्रेक करेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 जमता तो हो गया। अब इसमें से n कॉमन निकलेगा तो n कॉमन निकाला गया तो ये 4n प्लस 53, इसमें से 12 माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो 4n बचेगा आपको पता है 53 बचेगा। ओके अब इस 4n प्लस 53 को कॉमन निकाल लेंगे पूरे में से, तो 4n प्लस 53 इधर कितना बचेगा n बचेगा, इधर कितना बचेगा माइनस 12 0। अब या तो n माइनस 12 0 होगा या फिर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होगा, सो आइदर n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ओके एंड इफ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 हो जाएगा। एक वैल्यू इम्पॉसिबल होगी x, मतलब इसको हम आंसर में नहीं लेंगे क्योंकि जो n की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर में आएगी, ये किसमें है फ्रैक्शन में है नेशनल नंबर में है, इसलिए इम्पॉसिबल होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12, 12 टाइम्स को जोड़ने पर हमें कितना सम मिलेगा 636 सम मिलेगा। ओके अंडरस्टूड।